तो आज है दशहरा और अभी हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड की तरफ। वहाँ पे इस बार 131 फुट का जो है वो रावण बनाया गया है और शाम के वक्त जो है उसका दहन होगा, रावण जलाया जाएगा वहाँ पे। लेकिन अभी हम दिन में जा रहे हैं क्योंकि शाम को जो है बहुत भीड़ होगी, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि देहरादून में इतना बड़ा रावण बनाया गया है, तो बहुत से लोग जो है वो वहाँ पे देखने के लिए आएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है। इस वजह से हम अभी जा रहे हैं, देखते हैं अभी भीड़ है कि नहीं है, वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो अभी फिलहाल तो ट्रैफिक भी नहीं है, दशहरा तो है, आज छुट्टी भी होगी लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि शाम को ही सब लोग घर से जो है वो निकलेंगे। हमने जाना मार्केट था तो हम परेड ग्राउंड से होते हुए जा रहे हैं। अभी देखते हैं रूट तो नहीं डाइवर्ट हुआ है, फिर आगे चल के कैसा कैसा रूट है आज का। अभी तो फिलहाल कहीं पे भी, अभी तो हम सीधा सीधा ही जा रहे हैं, ऐसा कहीं से रूट डाइवर्ट तो नहीं दिखा अभी। अभी हम निकल रहे हैं आगे परेड ग्राउंड की तरफ और जगह जगह पे आज पुलिस खड़ी हुई है पूरी ट्रैफिक को मेंटेन करने के लिए। वैसे तो हमेशा ही खड़ी रहती है लेकिन आज बसेस भर भर के जगह जगह पे पुलिस जो है वो खड़ी है। सामने है परेड ग्राउंड, आगे वो है रावण का पुतला। अभी तो यहाँ पे कोई रूट डाइवर्ट का सीन नहीं दिख रहा, एकदम सीधा सीधा जा रहे हैं। शाम के वक्त हो सकता है कि वो पूरा रूट डाइवर्ट कर दे। तो हम पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड और यहाँ पे सामने रावण 131 फुट का जो कि बताया जा रहा है। काफ़ी लोग आए हुए हैं अभी सुबह सुबह भी। लो हम थोड़ा गलत आ गए हैं, इस साइड से बंद हो रखा है। फिर कहाँ से जाना पड़ेगा हमको? यहाँ से तो सब बंद किया हुआ है, अब हमें घूम के जाना पड़ेगा आगे। इतनी धूप है लेकिन सब लोग सोच रहे हैं कि सुबह ही देख के चले जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस बार काफ़ी बड़ा रावण बनाया रखा है तो उसे देखने के लिए बहुत से लोग आने वाले हैं, भीड़ भी काफ़ी होने वाली है। तो लोग सोच रहे हैं कि हम सुबह ही देख के चले जाते हैं क्योंकि मेला जो है वो अभी से स्टार्ट हो गया है, सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगा रखे हैं और आज छुट्टी भी है क्योंकि दशहरा है तो छुट्टी है, तो अभी से ही जो है काफ़ी भीड़ हमें वहाँ पर देखने को मिली। तो हम तो घूम के आगे, बहुत सी पुलिस, मतलब काफ़ी पुलिस वहाँ पे आई हुई है पूरी, एक तो रावण के प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ पे पुलिस है और दूसरा इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत पुलिस हमें वहाँ पे देखने को मिली। दूसरी चीज़, इमरजेंसी के केस में वहाँ पे एम्बुलेंस भी उन्होंने पहले से ही खड़ी की हुई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हम काफ़ी दूर से आ रहे हैं
क्योंकि यहाँ से ना उन्होंने पूरा बंद किया हुआ है, हमने गाड़ी आगे पार्क की हुई है। हम घूम के पूरा परेड ग्राउंड की तरफ आए, तो अब हम वापस अपनी पार्किंग के पास जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं चलते चलते। तो वैसे तो हमने शॉपिंग के लिए आना था आज, तो हमने सोचा कि रावण भी देखते हुए चलते हैं। तो अब हम चलेंगे और शॉपिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज क्या मिलता है। कल का दिन तो बहुत बेकार रहा, हमें कुछ भी नहीं मिला खास, लेकिन आज देखते हैं कि क्या मिलता है। तो चलिए चलते हैं, बोरा मेरे पीछे रावण, तो हम निकलते हैं आगे। डरा दिया इसने मुझे, डरा दिया एकदम से निकला ये बाहर।